हेलो एवरीवन तो कैसे हो आप सब तो आज हम यूनिट टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सुपरविजन वीडियो करेंगे गाइस हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में आपको पूरा का पूरा यूनिट कम्प्लीट रिवाइज करा दूं कि जब आप एग्जाम टाइम में जाओ तो फटाफट ये वीडियो देखो और आपको सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रिक कॉल हो जाए ओके स्टूडेंट्स तो लेट्स बिगेन दिस तो सबसे पहले आता है कि इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके okay, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग और मैनेजर्स को बताती हैं कि उन्होंने डिसीजन कैसे लेना और उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव कैसे करना है तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी जो फीचर्स हैं फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल है हमारे प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स पे बने हैं फ्लेक्सिबल है ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि पुराने प्रिंसिपल में कोई चेंज आना चाहिए तो आप ला सकते हैं और न्यू प्रिंसिपल बना सकते हैं फ्लेक्सिबल है बिहेवियर है, बताते हैं कि कैसी सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है रिलेशनशिप है कोज ऑफ इफेक्ट का कि एक पर्टिकुलर कोज में आपको कैसे इफेक्ट आएगा कि एस्टेब्लिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है क्वान्टिजेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है और परमानेंट नहीं है तो इनके सिग्निफिकेंस क्या है प्रोवाइड साइट टू मैनेजर्स मैनेजर्स को एक नज़रिया प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोसिस एंड अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम हो सके साइंटिफिक डिसीज़न लिया जा सके इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके कि हमें जो चीज़ों की नीड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया जा सके ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च की जा सके तो लेट्स दिस हम देखते हैं कि हमारे जो सबसे पहले आता है हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे हेनरी फ्योल ने दिए थे वो कौन कौन से हैं तो गाइस दे आर टोटल फोर्टीन प्रिंसिपल्स तो लेट्स बिगेन विद आवर वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल का मतलब है एज़ फार एज़ पॉसिबल कि हमें हमारा जो काम है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए इससे हमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी हमारा काम अच्छे से होगा अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम स्पेशलाइजेशन नहीं पा पाएंगे और ना हमारा काम अच्छे से होगा तो आ गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड टू हैंड ये साथ में चलनी चाहिए अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कोई तो उसे अथॉरिटी भी देनी चाहिए या फिर हम अथॉरिटी सफिशेंट अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा कर सके जिससे कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सके एम्प्लॉयज़ का उससे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होएगा तो इसका वॉलेटिंग इफेक्ट क्या होगा रोंग अथॉरिटी या ज़्यादा एथियोरिटी दे देंगे दे 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 तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर कम अथॉरिटी दे देंगे दे 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 गाइस तो फिर दोबारा प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में दिक्कत आएगी एंड कॉन्फिडेंस भी डिक्लाइन होगा डिसिप्लिन हमारा थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशनस है उनको सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट्स सबको फॉलो करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं उन्हें सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सुपीरियर्स वो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं या फिर हमारे सुपीरियर्स होते हैं उन सबको पाने होते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं डिसिप्लिन रहता है एफिशिएंसी बढ़ती है लेबर मैनेजमेंट अच्छी रहती है अगर नहीं फॉलो करेंगे तो डाउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी कॉन्फिडेंस गिरेगा डिसऑर्डर इंक्रीज होगा और रेपुटेशन भी कम होएगी तो यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या कहते हैं कि एक सब को एक ही सुपीरियर एक टाइम पे ऑर्डर दे एक एम्प्लॉय को तो जैसे कि इसकी राइट right अप्रोच क्या है कि एम वन जो है वो ही अलग अलग सब को ऑर्डर दे रहा है बट दिस टाइम जो एस वन एस टू एस थ्री उनको M1 भी ऑर्डर दे रहा है और M2 भी ऑर्डर दे रहा है तो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच इससे प्रॉब्लम क्रिएट होएंगी इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी सुपीरियर की भी इंक्रीज़ होएगी सबऑर्डिनेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहेगी एटमोसफियर भी अच्छा रहेगा और अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे गाइज तो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और एफिशिएंसी भी हमारे सबऑर्डिनेट्स की इंक्रीज़ होएगी और साथ के साथ डिफ़िकल्टी आएगी अकाउंटेबिलिटी सेट करने में आगे आता है हमारा जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है देयर शुड बी वन हैड फॉर वन प्लान और ग्रुप ऑफ़ एक्टिविटीज़ कि एक काम के लिए एक हैड होना चाहिए तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑप्टेन ड्यू टू द मैनेजर एसोसिएशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी स्पेशलाइजेशन अचीव होएगी जब एक पर्सन एक तरीके की एक्टिविटी करेगा एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी इजी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होएगा और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश रहेगा अगर हम इसको वॉयलेट करेंगे तो हमारा जो कॉर्डिनेशन है वो डिक्लाइन होएगा स्पेशलाइजेशन हमें नहीं मिलेगी एफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन की भी कम होएगी ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे नहीं होंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या फर्क है यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक एम्प्लॉय एक सब को एक क्या कहते हैं सीनियर ही ऑर्डर दे सकता है और डायरेक्शन कहता है कि एक प्लान के ऊपर एक ही बोस होना चाहिए या एम्प्लॉयज़ के लिए और ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि ड्यूल सब को प्रिवेंट करना चाहते हैं और ये ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ को अगला है सब ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट या जर्नल इंटरेस्ट कि हमें हमारा इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर उसे जर्नल इंटरेस्ट सोचना चाहिए हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए इंस्टेंट कि हम अपना पर्सन का इंटरेस्ट सोचें तो इसका मतलब यह है तो इसके हमारे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आता है कि इसके सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट है कि ह्यूमैनिटी इंक्रीज होती है इससे फिर उसके बाद सब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएगा वॉलेटिंग इफेक्ट ह्यूमैनिटी कम होएगी वॉयलेट होएगी इंक्रीजिंग जेलेसी जेलेसी की भावना बन बनती है सब एम्प्लॉयज़ के अंदर और लैक ऑफ कॉर्डिनेशन होएगा एब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे रेम्यूनोरेशन टू एम्प्लॉय एक एम्प्लॉई ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनोरेशन मिलनी चाहिए रीजनेबल रेट पर दे शुड बी गिवन एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उन्हें दे सके तो इससे क्या होएगा उनकी सेटिस्फेक्शन बनेगी डेडिकेशन की पावर इंक्रीज होएगी लेबर टर्नओवर कम होगा बट अगर ऐसा हम नहीं करेंगे इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करेंगे तो सेटिस्फैक्शन कम होएगी डिस्करेज रहेंगे डिसऑनेस्टी बढ़ेगी एंड देन इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर ओवर रेफ अगला हमारा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वो ये कहते हैं कि हमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं रखनी चाहिए हमें थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन रखनी चाहिए ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो ना कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो ओके okay, गाइज तो इससे क्या होएगा इंक्रीज़ द वर्क लॉड ऑफ डिक्रीज़ होएगा हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनका वर्क लोड बेटर बेटर क्वालिटी डिसीजन लिए जाएंगे एनकरेज होंगे हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं ओके और इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होएगा सब ऑर्डिनेट्स जो है वो एनकरेज नहीं हो पाएंगे एंड रॉन्ग डिसीजनस लेंगे सुपीरियर जब सारे के सारे डिसीजन एक ही पर्सन के ऊपर आ जाएंगे रिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगी तो गलत डिसीजनस लिए जाएंगे अननेसेसरी इंक्रीज होएगा सुपीरियर्स के बर्डन के अंदर आगे हमारे पास आता है हमारा स्केलर चेन स्केलर चेन जो हमारा प्रिंसिपल है ये गाइज क्या कहता है लेट्स सी स्केलर चेन प्रिंसिपल एक सेकेंड हाँ जी तो स्केलर चेन प्रिंसिपल ये कहता है कि ए बी को रिपोर्ट करेगा बी सी को करेगा सी डी को ई e को एफ को जी को तो एक ऑर्डर के अंदर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी चेंज चलनी चाहिए फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन मूव करनी चाहिए फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन तो इस ये प्रिंसिपल ये कहता है और गैंग प्रैंक ये कहता है कि एक सेम पोजीशन के दो पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन बेटर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटी आगे क्विक डिसीजंस हएँगे प्रॉब्लम्स को आगे इसको अगर हम वॉइलेट करेंगे तो डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ढंग से फ्लो नहीं कर पाएंगी बिटरनेस क्रिएट होएगी और इंक्रीज होएगी प्रॉब्लम भी तो ऑर्डर क्या कहता है कि हमें जो सही प्रोडक्ट है या फिर सही मटेरियल सही जगह पे रखना चाहिए और सही ह्यूमन को सही पोस्ट पर एम्प्लॉय करना चाहिए अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एट राइट इज एंड अ पर्सन अ प्लेस फॉर एवरी वन एंड एवरी वन शुड बी अपॉइंटेड एट द राइट प्लेस तो इसके जो हमारे वॉलेट तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्यों होंगे हमारे जो कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होएगा हमारे पास टाइम की वेस्टेज नहीं होएगी डिसिप्लिन बना रहेगा वलेटिंग इफेक्ट क्या होएंगे इंक्रीज इन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स का ऑर्डर हो सकता है जब आ, अगर हमारे पास सही प्रोडक्ट्स नहीं है और अगर हम गलत पर्सन को गलत पोस्ट पे अपॉइंट कर देंगे जिसको नॉलेज ही नहीं है हाई लेवल डिसीजन मेकिंग की और उसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी धार देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी तो आगे हमारे पास आता है इलेवेंथ इज इक्विटी द मैनेजर शुड ट्रीट हर सबोर्डिनेट को एक हिसाब से ट्रीट करना चाहिए ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है ओके okay, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे सेटिस्फाई रहेंगे एम्प्लॉयज सेंस ऑफ डेव्यूएशन इंक्रीज होएगी स्किल्ड एम्प्लॉयज रहेंगे और वॉलेटिंग इफेक्ट क्या है डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होएगी वर्कर्स में और लॉ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होएगा डिक्लाइन इन एफिशिएंसी होएगी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि एक पर्सन को काफ़ी लंबे टाइम तक हमें जॉब पे रखना चाहिए इससे क्या होगा उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा उनके अंदर रेपुटेशन कंपनी की बढ़ेगी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रेपुटेशन डिक्लाइन होएगी आ गया इनिशिएटिव एम्प्लॉयज़ को हक देना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कोई डिसीज़न ले सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो उससे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होएगा उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होएगी अगर नहीं फॉलो करेंगे तो वो डिक्लाइन होएगी और अटैचमेंट भी बढ़ेगी अगला हमारा आता है स्पिरिट दी क्रॉप हमें ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आई शुड बी रिप्लेस विद वी सब हमें मिलकर काम करना होगा ए मैनेजर शुड ऑलवेज से वी विल डू दिस इंस्टेंट ऑफ आई विल डू दिस कि हमें मिलकर टीम में काम करना होगा ये प्रिंसिपल ये कहते हैं तो इससे मोटिवेशन इंक्रीज़ होएगी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इजीली अचीव होएंगे रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे और अगर हम इसे वॉयलेट करेंगे तो टीम स्पिरिट डिक्लाइन होएगी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे और बिटरनेस क्रिएट होएगी तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑवर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो जो हमारे एफ डब्ल्यू टेलर हैं इन्होंने टोटल गायज़ फोर प्रिंसिपल्स दिए हैं ये फीचर्स आप देख लेना एक बार इनकी हेडिंग्स वगैरह तो हमारे जो हैं सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम्ब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें एक ही टेक्निक के ऊपर स्टक होकर नहीं रहना चाहिए दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट टक विद इन ऑल टेक्निक हमें हमेशा हमारी टेक्निक्स को चेंज करते रहना चाहिए अगर कोई चेंज आता है हारमनी नॉट दिस कॉ दिस प्रिंसिपल इन देयर शुड बी अ कंप्लीट हारमनी हारमनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स सबके बीच में मेंटल रिवोल्यूशन होनी चाहिए बहुत मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कि वो अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करें मिलकर काम करें अलग अलग काम ना करें मैनेजमेंट गेंद द शेयर इन द कंपनी अगर मैनेजमेंट को कंपनी में शेयर देना चाहिए अपने वर्कर्स को उनको ये फील कराना चाहिए कि ये कंपनी उनकी अपनी है आगे है कॉरपोरेशन नॉट इट इंडिविजुअलिज्म हमें मिलकर काम करना चाहिए म्यूचुअल कॉरपोरेशन के साथ करना चाहिए अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके जॉइंटली काम करना चाहिए सजेस्ट दैट द मैनेजर शुड वर्क शुड जॉइंटली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट और वर्कर्स को मिलकर काम करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी टू हिज और अ ग्रेट एफिशियंसी हमें हर एम्प्लॉय को उसकी ग्रेट एफिशियंसी तक वो उसको उतनी नॉलेज देनी चाहिए दिस प्रिंसिपल कंसर्न विद विदिशंसी ऑफ द एम्प्लॉय विच कुड बी बिल्ड इन द राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन की जैसी उसकी सिलेक्शन हो जाती है उसको ट्रेनिंग दो उसको वो जितना ज़्यादा डेवलप कर सकता है उसको सारी डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए उससे हमारा ही फायदा है आगे हमारी जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक हमारी आती है फंक्शनल फॉर्मनशिप तो फंक्शनल फॉर्मनशिप के अंदर जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट आता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है जो ऑर्गेनाइजेशन है फैक्ट्री मैनेजर वर्क ऑफ फैक्ट्री मैनेजर है उस वो दो सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसके अंदर एक आएगी हमारी प्लानिंग ऑफिसर्स आएंगे और एक हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स आएँगी तो प्रोडक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स के अंदर हमारा रूट क्लर्क आएगा स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आएगा टाइम एंड कोस्ट क्लर्क आएगा डिसिप्लिन कर्क आएगा इधर गैंग स्पीड रिपेयर एंड इंस्पेक्शन बॉस आएगा तो जो हमारा रूट क्लर्क होएगा वो डिसाइड करेगा कि काम को किस हिसाब से करना है उसकी स्टेजेस वगैरह उसका रूट डिसाइड करेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड कर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा टाइम एंड कोस्ट देखेगा कि किस टाइम पर कौन सा काम कंप्लीट होना चाहिए और उसमें कितनी कोस्ट लगनी चाहिए डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए ये डिसिप्लिन ऑफिसर देखेगा गैंग बॉस हमारा जो होगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हैंड्रेड बंदे हैं तो उनको ट्वेंटी ट्वेंटी की सीरीज में डिवाइड कर देना चाहिए और उनके ऊपर एक गैंग बॉस बना देना चाहिए जो कि देखेगा कि काम सारा अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा और ही टू बोथ द वर्कर्स एंड मशीन की अच्छे से काम करें अगला हमारा स्पीड बॉस देखेगा कि स्पीड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा रिपेयर बॉस देखेगा कि कहीं रिपेयर वगैरह की नीड तो नहीं है इंस्पेक्टर हमारा देखेगा कि प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड अच्छे से मेंटेन है या नहीं है अगला हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कि हमें स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ कि अच्छे से काम हो सके इसलिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए हर टाइप से स्टैंडर्ड सेट करके काम करना चाहिए स्पेशलाइजेशन ये कहता है कि हमें ज़्यादा नहीं भागना चाहिए कि हम हज़ार प्रोडक्ट्स बनाएंगे हमें हम अगर दो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से हमें बनाने चाहिए ऐसे ही करते हुए यूएसए की एक कंपनी ने गाइस जो वो पेपर्स थे टू हंड्रेड टाइप से टू थाउजेंड टाइप से टू हंड्रेड टाइप पर ट्रांसफर करे थे तो आगे हमारा मेथड स्टडी प्रिंसिपल देखते हैं गाइस क्या कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल मेथड कि हमें जो बेस्ट मेथड है उसको अप्लाई करना चाहिए मोशन स्टडी प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि हमें जो यूजलेस स्टेप्स हैं काम को करने के लिए यूजलेस मोमेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए कम से कम मोमेंट्स होनी चाहिए काम को अच्छे से करने के लिए टाइम स्टडी ये कहते हैं कि एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम हमें सेलेक्ट करना चाहिए फैक्टिक्यू स्टडी कहता है कि एक एम्प्लॉय को काम करते करते कितने टाइम का रेस्ट चाहिए वो कितने टाइम काम कर सकता है पुअर कंडीशन में भी वो सॉरी <coughs> कि वो फुल कैपेसिटी में काम करने के बाद उसे कितनी देर का रेस्ट चाहिए रिफ्रेश होने के लिए द मोर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ़ द लेवल ऑफ वर्कर्स कि चार घंटे या तीन घंटे के बाद हमारे वर्कर को पंद्रह मिनट का रेस्ट चाहिए जब भी वो अपनी एफिशियंसी में काम कर पाएगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हमें ये कहता है कि हमें एम्प्लॉय की ये दो अलग अलग रेट फिक्स कर देने चाहिए काम के लिए इट रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विद डिफ्रेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने जैसे 20 यूनिट्स बनाए हैं और दूसरे पर्सन ने 18 यूनिट्स बनाए हैं और स्टैंडर्ड हमारा 20 यूनिट्स का है तो जिस पर्सन ने ट्वेंटी यूनिट्स बनाए हैं उसे फाइव रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट मिलेगी और जिस पर्सन ने और जिस पर्सन ने क्या कहते हैं <coughs> एटीन यूनिट्स बनाए हैं उसको फोर यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट मिलेगी मेंटल रेवोल्यूशन का हमारा प्रिंसिपल ये कहता है रेफर्स डॉ चेंज इन द एटीट्यूड को बदलना चाहिए कि सारे मिलकर काम करें आगे हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स के दोनों ही सोल्यूशंस देते हैं प्रैक्टिकली स्ट्रेस करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इन प्रिंसिपल्स की क्या कहते हैं अलग अलग कैसे हैं ये ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं जो हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हैं और ये प्रिंसिपल्स जनरल थिंकिंग प्रोवाइड करते हैं ये साइंटिफिक है ये प्रोफेशनल है ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं जैसे स्पेशलाइजेशन टाइम स्पीड एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये पर्सनल एक्सपीरियंस और यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये साइंटिफिक मैनिंग में ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट से बने हैं ये रियलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री एरिया के ऊपर है जो एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल है गाइस वो फैक्ट्री एरिया के ऊपर है और वो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर है ये स्ट्रिक्टली अप्लाई हो सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड इज सारे प्रिंसिपल अप्लाई हो यूनिटी ऑफ कमांड इज वटेड अ वर्कर वर्क अंडर द सुपीरियर ऑफ ए स्पेशलिस्ट स्टिमिटेनली तो इस प्रिंसिपल का यहाँ पे वॉलिटेशन होती है तो हमने हमारा जो ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स हमने हमारे फ्यूल के एंड फोर प्रिंसिपल्स टेलर के एंड टेक्निक्स जो हमारी नाइन है वो हमने यहाँ रिवाइज़ कर ली है तो गाइस अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा गाइस मैंने अपनी हिसाब से आपको बेस्टेस्ट वे में फटाफट सुपर रिविजन करवाई है कि आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स एकदम रिकॉल हो जाएँ और आपको एग्जाम टाइम में या कभी भी आपको फटाफट रिकॉल करने हो तो कोई दिक्कत ना आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम